चल रहा है दावतों का सिलसिला, तो आप ये भी बना सकते हो क्योंकि सबकी चॉइस अलग है और बच्चे का फेवरेट होता है चाइनीज आइटम, तो ये आप अपने दावत में मेनू में शामिल कर सकते हो। एकदम एक्चुअली जो ओरिजिनल जो टेस्ट होता है वही है इसमें, तो ये बनाने के बाद ना तो किसी को खाने को नुकसान होगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी इसे खाने की। तो आप लोग ऐसा बनाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वेलकम टू माई चैनल। आज मैं चिकन चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम चिकन लिया हुआ है और ऐसे बारीक बारीक स्लाइसेस में मैंने कट किया हुआ है। तो अब इसे हम मैरिनेट करने जा रहे थे। इसमें एक चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे, थोड़ा कम था इसमें तो थोड़ा और डालूंगी मैं। एक चम्मच के करीब सोया सॉस, ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ा सा मैं ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच। एक चम्मच के करीब काली मिर्च, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसे मैरिनेशन करके हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिया हुआ है और इसे मैंने धो लिया है पहले से ऑलरेडी, और इसे धो के साइड में रख दिया। और यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, इसमें पानी ऐड करूँगी, आधा लीटर पानी लिया है, और इसे बॉयल आने तक, ठंडे पानी में हमें राइस नहीं डालना है, ये तो ख़राब हो जाएगा। देखिए पानी गर्म हो चुका है, तो हम यहाँ पे अब एक चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, मैं राइस के साथ डाल रही हूँ। यहाँ पे एक चम्मच लेमन जूस, एक चम्मच ऑयल डालेंगे ताकि चावल आपस में ना चिपके और खिले खिले से राइस बने। अब यहाँ पे मैं जो राइस धो के रखा है वो ऐड करूँगी, और राइस डालने के बाद मैं इसे हाई फ्लेम पे रखा है ताकि चावल पक जाए। राइस को हमें ढक के नहीं पकाना है, खुले में पकाना है, क्योंकि इसे 80% ही कुक करना है। देख सकते हैं, देखिए 80% तक चावल पक चुका है। यहाँ पे मैं गैस बंद करूँगी और इसे ड्रेन कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने ड्रेन करके इसमें रख लिया और इसे ढक के हम साइड में रख देते हैं। मैंने यहाँ पे पैन लिया और 2 चम्मच ऑयल डाला है, और एक अंडा मैंने फेंट के इसे मैं यहाँ पे डाल दूँगी, और इसे हम फैला देते हैं। और इसे हम थोड़ा थोड़ा तोड़ के चले जाएंगे मोटे मोटे टुकड़ों में। अगर आपको अंडा नहीं पसंद है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप कर दीजिएगा, मत डालिएगा। अंडा बन गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ, साइड में रख देती हूँ निकाल के इसे। सेम पैन लिया हुआ है, वही वाला इसमें मैंने अंडा बनाया था, अंडे में मैंने नमक डाल के उसे और ये करके बनाया था, आप भी डाल लीजिएगा। और यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ मैं चिकन इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ऐसे लो मीडियम पे हम अच्छे से फ्राई होने देते। ईद हमारा चल रहा है, सबकी पसंद अलग अलग होती है, कोई बिरयानी पसंद करता है, कोई चिकन फ्राइड राइस, तो आप ये मेनू में शामिल कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार की बनती है, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। पकाया कि थोड़ा चिकन टेंडर हो जाए, और हाँ चिकन में मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने अभी ऐड कर लिया है बाद में, तो आप भी ऐड कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए ये टेंडर हो चुका है, थोड़ा और पकाएंगे 10 मिनट। देखिए चिकन तैयार हो चुका है, गल भी चुका है अच्छे से, दिखाती हूँ मैं काट के, अच्छे से टूटा है। तो अब मैं यहाँ पर गैस बंद करूँगी
और दूसरा प्रिपरेशन कर लेते हैं। पे दूसरी कढ़ाई लिए, दो चम्मच ऑयल डाला है, आप देख सकते हैं चाइनीज़ में अदरक लहसुन ज़्यादा जाता है, तो मैंने 20 से 25 कलियाँ लेके चॉप किया हुआ अदरक सॉरी लहसुन और 1 इंच का टुकड़ा अदरक, और इसमें हम ऐड करेंगे ये हरी मिर्चें जो 4 से 5 थी, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, इसका तीखा चाहिए क्या चाहिए, हम इसे थोड़ा पकाएंगे। ज़्यादा जलाना नहीं है, तो मैं यहाँ पे हरे प्याज की जो वाइट कलर होती है ना वो ऐड किया, इसमें थोड़ा सा इसको भी फ्राई कर लेते अच्छे से। देखिए जो भी मेरे पास अवेलेबल भाजी थी, मैंने कैबेज लिया, गाजर लिया और शिमला मिर्ची, और आपके पास बीन्स रहेगा तो बीन्स भी ऐड कर सकते हो, जो आपकी मर्जी भाजी जितना भी चाहें आप ऐड कर सकते हो, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पे भी मैं थोड़ा नमक ऐड करूँगी, थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि सॉस में ऑलरेडी नमक रहता है, मैंने राइस में भी डाला, इसमें भी डाला और चिकन में भी है, तो देखिए यहाँ पे मैं 1 चम्मच डार्क सोया सॉस डाल दी, एक चम्मच रेड चिली सॉस थोड़ा और डालूँगी मैं, और यहाँ पे मैं 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस ऐड किया मैंने, और यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच थोड़ा सा काली मिर्च ऐड कर दी, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से खुशबू भी बहुत आ रही है ना। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच टमाटो केचप लिया, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो टेस्ट मीठा ज़्यादा हो जाएगा। सब्जियाँ हमें आधी पकी और आधा क्रंची ही रखना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तैयार हो गई है, तो मैंने जो चिकन लिया था फ्राई करके रखा था उसे ऐड कर दे रही हूँ, और इसे सब मिक्स करूँगी एक साथ में, कितना खूबसूरत दिख रहा है, बहुत मज़ेदार सी बनती है। और यही स्टेज पे मैं ये अंडा जो बना के साइड में रखा था अंडे को भी ऐड कर दूँगी, और अच्छे से सबको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हरा प्याज का थोड़ा सा पत्ता मैं इसे ऐड कर दूँगी, इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब जो मैंने ये राइस बना के रखा था वो इसे मिक्स कर लूँगी हल्के हाथ से, चावल टूटे नहीं। अच्छे से मिक्स हो चुका है, क्योंकि हमारा चावल जो है 80% ही पका है, तो थोड़ा सा मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए ढक के लो फ्लेम पे मैं रखती हूँ। देखिए बन के रेडी है हमारा चिकन फ्राइड राइस, बहुत ही खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही टेस्टी और यम्मी, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, ऐसा बनाइए खाइए। अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ, मज़ेदार सा चिकन फ्राइड राइस बन गया है, और अभी ईद में चल रहा है दावतों का सिलसिला, तो आप ये भी बना सकते हैं, क्योंकि सबकी चॉइस अलग है और बच्चे का फेवरेट होता है चाइनीज आइटम, तो ये आप अपने दावत में मेनू में शामिल कर सकते हो, और इस तरीके से बनाइए और ईद में इंजॉय करिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, चिकन फ्राइड राइस बन चुका है, ठीक है, और अभी बन गया, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही, काफ़ी अच्छी महक आ रही है, तो
तो आप लोग भी ये बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको बना के कैसा लगा। और ख़ास बात है ये घर में बनाए चिकन फ्राइड राइस, उसका टेस्ट भी अच्छा है और उसमें ना ही कोई, जैसे आप बाहर रेस्टोरेंट में खाते रहोगे तो उसमें कुछ बाहर से कुछ केमिकल मिलाते हैं टेस्ट लाने के लिए, यहाँ पे कुछ भी केमिकल नहीं मिलाया गया है, एकदम नेचुरली बनाया गया है और एकदम एक्चुअली जो ओरिजिनल जो टेस्ट होता है वही है इसमें। तो ये बनाने के बाद ना तो किसी को खाने को नुकसान होगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी इसे खाने में। तो आप लोग ऐसा बनाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।